बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। ये बिल्कुल टाइटल जो आपने देखा, क्या आप जानते हैं कि किस लड़की ने एक महान लेखक को कहा कि मुझे बदनाम करो। सच में ऐसे ऐसे बहुत महान इतिहास में ऐसे बहुत महान लेखक रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी कला और अपने लेखन स्टाइल से, राइटिंग स्टाइल से, उन्होंने ना जाने किस किस चीज़ को, किस किस तरह से, किस सोसाइटी के किस फ्रेज को मूव किया है। और ऐसी एक छोटा सा इंसिडेंट मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि सच में एक इतने फेमस राइटर, इतने फेमस राइटिंग इंग्लिश लिटरेचर के, जिन्होंने इस तरह से ये कर दिया था कि एक फीमेल ने खुद आके बोला कि ठीक है अब मुझे बदनाम करो, क्योंकि उनकी पेन एंड राइटिंग से वो किसी भी फीमेल और किसी को भी फाइनली फेमस कर सकते थे। बिल्कुल, और आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि ऐसे कौन से राइटर हैं, वो कौन से हो सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट पता चलने वाला है वो राइटर कौन है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड के हो तो दिस वन इज़ अगेन द बेस्ट वीडियो फॉर यू। और ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट सच में पेपर में इस तरह के क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, पर वो खैर छोड़ो, अब हम देखते हैं। वो गेस करो तब तक आप कि वो कौन हो सकता है, किस कौन सा ऐसा राइटर है जो कि इतना पावरफुल था इंग्लैंड में कि जिसने कि सब कुछ हिला दिया था, ओवरऑल के बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी भी उनके आगे बैठने से या कॉफ़ी पीने से पहले भी दो बारी सोचा करती थी कि अरे कहीं उसकी नज़र ना पड़ जाए, कहीं कल के उसमें हम बदनाम ना हो जाए समाज में। तो आपका इंतजार होता है फाइनली ख़त्म। ये है एलेक्जेंडर पोप। एलेक्जेंडर पोप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटराइस्ट, अपने एज के सबसे महान व्यंग्यात्मक सेटायरिस्ट जिसे हम कहते हैं, एक्सलेंट, ऐसे ऐसे व्यंग्य करे हैं इन्होंने कि इनके व्यंग्य से बड़े यानी ब्लू स्टॉकिंग फीमेल से लेके बड़े से बड़े जितने भी उस समय के राइटर थे सब थर थर कांपा करते थे। बिल्कुल सही, एलेक्जेंडर पॉप है वो हमारे पास पोइट। ये वही है जिन्होंने रेप ऑफ दी लॉक लिखा, वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट पोएम जिसको हीरोइक कपलेट का अंदाज दिया। एलेक्जेंडर पॉप अपने, जब भी ये जहाँ कहते हैं कि बड़े से बड़ी कॉफ़ी शॉप, अगर वहाँ एलेक्जेंडर पॉप पहुँच गए तो कोई अगर किस तरह से कॉफ़ी पी रहा है उन्हें भी डर लगने लग जाता था। अगर हमने कुछ भी अगर उल्टा सीधा किया तो कल के उसमें राइटिंग में हम एलेक्जेंडर पॉप जो है हमें पक्का टारगेट करेगा और हम कहीं ना कहीं बदनाम ना हो जाए एक तरह से। एलेक्जेंडर पॉप जिसके लिए जाने जाते थे वो था सटायर। बिल्कुल सही, सटायर यानी व्यंग्य या ताना। अब ताना और व्यंग्य मारना तो बहुत आसान है, तो फिर एलेक्जेंडर पॉप का ही नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि बाकी और कोई राइटर या ऑथर या पोइट इस तरह से ताने क्यों नहीं मार सकते। आज इतने साल हो गए हैं पर आज भी उनके जैसा कोई है ही नहीं जो कि इस तरह से ताने कस सके। तो जो चीज़ इन्हें फेमस बनाती है उसे कहते हैं हीरोइक कपलेट। बिल्कुल सही, हीरोइक कपलेट का मतलब होता है दो लाइन में आपको दो वो लाइन लिखनी है, पहले लाइन में ईयाम यूज़ करना है। ईयाम का मतलब होता है एक अनस्ट्रेस साउंड और एक स्ट्रेस साउंड, एक में कम आवाज़ आए, एक में हल्का सा ज़्यादा आए। तो ऐसे ऐसे करके आपको पांच सेट ऊपर यूज़ करने हैं पहली लाइन में, पांच सेट नीचे यूज़ कर रहे हैं सेकंड लाइन में, और लास्ट के दो जो दो लाइन है उनके जो लास्ट वाले जो वर्ड है वो बिल्कुल साउंड सेम साउंड करे। इस तरह की चीज़ को हीरोइक कपलेट कहते हैं। अगर हम और आप सब अगर लिखने को बैठ जाए हीरोइक कपलेट तो कसम से है ना 5 से 10 दिन चले जाएंगे, पर हम सिर्फ एक कपलेट ही लिख पाएंगे, यानी एक जोड़ा ही हम ऐसा लिख पाएंगे, वो भी शायद लिख पाए कि नहीं लिख पाए। पर इतना 12,000 13,000 14,000 इतनी बड़ी बड़ी पोएम ऐसे सिर्फ एलेक्जेंडर पोप लिख सकते थे। और इनका मानना था मेरे लिए इट्स जस्ट लाइक ए नंबर, जैसे नंबर 1 2 3 है तो इनके लिए सिर्फ ये एक नंबर की तरह है। अब हम देखते हैं वो इंसिडेंट क्या था। देखो अब हर इंसान को प्यार होता है, ऐसे एलेक्जेंडर पोप को प्यार हो गया। अब एलेक्जेंडर पोप की अगर हाइट की बात करें तो हाइट सिर्फ एलेक्जेंडर पोप की 4 फुट, अगर बात करें तो सिंपल 4 फुट 5 इंच या 4 फुट 6 इंच। उसके बाद हंचबैक, हंचबैक यानी कूबड़, शक्ल में कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल एक्सप्रेशन तो है पर उस तरह से खूबसूरती नहीं, यानी एक कूबड़ इंसान आके अब फाइनली वो किसको प्रपोज करने वाला है, लेडी मैरी वॉटले मुंटेग्यू, ठीक है, उस समय की ब्लू स्टॉकिंग फीमेल, यानी अमीरों में 18वीं शताब्दी में अमीरों में लड़कियों में जो अमीर लड़कियां, ऐसे ब्लू स्टॉक क्लब था जहाँ पे बहुत ही महान महान जो लड़कियां होती थी, महान लड़कियां इन टर्म्स पैसों के मामले में, रॉयल रेस की अमीर है ना, शहजादी, देखने में बिल्कुल खूबसूरत, ऐसी लड़कियां उसका मेंबर हुआ करती थी। तो उसमें से एलेक्जेंडर पॉप ने लेडी मैरी वॉटले मुंटेग्यू को प्रपोज कर दिया। अब लेडी मैरी जो है वॉटले मुंटेग्यू, अब ऐसा कोई अगर प्रपोज करे एलेक्जेंडर पॉप
टाइप का, जिस तरह से कि इस तरह कूबड़ और ऐसा अजीब। अलेक्जेंडर पॉप लाइफ टाइम पे कभी स्कूल नहीं गए, पाँचवीं छठी क्लास में स्कूल इन्होंने छोड़ दिया। देखने में बिल्कुल ही अजीब थे ये, पर फिर भी अब प्रपोज कर दिया। तो इस प्रपोज के जवाब में अब लेडी जो है मैरी वॉटले मिंटागो हंसने लगी अलेक्जेंडर पॉप पे, और अलेक्जेंडर पॉप को जो सुनाया उसके बाद, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह, अलेक्जेंडर पॉप को हर तरह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जिल्लत और बेइज्जती करी कि किस तरह से तुम कूबड़ हो, देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, ऐसे में तुमसे कोई प्यार क्या कुछ भी नहीं कर सकता, तुम ब्लू स्टॉकिंग यानी मुझे ब्लू स्टॉक फीमेल को प्रपोज कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, ऐसे करके बहुत कुछ सुनाया। और फिर अलेक्जेंडर पॉप ने वहाँ से सीधा फेस नीचे करके वापस आ गए, और वापस आने के बाद उन्होंने किताब लिखी, एक सटायर और एक तरह का फाइनली एक ताना कसते हुए एक पूरा एक वर्क लिखा, एलिजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी। आप टाइटल में ही देख सकते हो कि इन्होंने खुद बताया कि वो लड़की अनफॉर्चुनेट है, यानी वो बदकिस्मत लड़की है जिसने, मैंने जिसे प्रपोज करा, यानी दी अलेक्जेंडर पॉप ने जिसको प्रपोज करा उसने उसे रिजेक्ट किया। और फिर अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था कि देखना एक दिन क्या होगा और क्या नहीं। जब एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी को पब्लिश किया गया हाफ वर्क को, तब उसके बाद वो लड़की यानी मैरी मोंटेग्यू आती है अलेक्जेंडर पॉप के पास और कहती है कि मेरे से बिना परमिशन के आपने इस तरह से कैसे ये कर दिया, मैं तुम्हें अब इस केस को मैं आगे करूंगी और मैं तुम्हारे पर अगेन केस फाइल करती हूँ कि इस तरह से तुम नहीं कर सकते, मेरी परमिशन के बगैर मेरे बारे में लिख दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अलेक्जेंडर पॉप ने कहा कोई नहीं, मैं सॉरी फील करता हूँ, पर याद रखना तुम मुझे आओगी और वापस कहोगी कि मुझे बदनाम करो। बिल्कुल सही, यहीं से टाइटल है कि मुझे बदनाम करो किसने कहा। फिर एक दिन के बाद या कुछ दिनों बाद अब आती है वापस लेडी मैरी मोंटेग्यू मोंटेग्यू, और वो कहती है कि ठीक है अब मुझे बदनाम करो। ऐसा कहने की वजह ये थी क्योंकि मिलियन ऑफ कॉपीज बिकी एलिजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी की, और वो कुछ दिन में ही ब्लू स्टॉकिंग यानी वो जो लेडी यानी जो फीमेल है वो इतनी ज़्यादा फेमस होगी सिर्फ पेन पावर से। अलेक्जेंडर पॉप ने जो वर्क लिखा था वो वर्क हाथों हाथ बिका, और इसी वर्क ने उन्हें इतना फेमस कर दिया, एक हिस्टोरिकल एसेंस ऐड कर दिया, एक हिस्टोरिकल फिगर बना दिया। और यही है, इतनी पावर और इतनी वेलियंस सिर्फ अलेक्जेंडर पॉप में ही देखी जा सकती है। ऐसे ऐसे अगर आपको और मोर फैक्ट्स चाहिए यानी रिलेटेड टू और भी ऐसी कहानियाँ, तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत राइटर और इतने इंसिडेंट्स हैं जो कि सच में एक बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट है जो कि पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पूछा गया था अनफॉर्चुनेट लेडी किसने लिखा और ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस। तो सिर्फ कहानियाँ ही नहीं है, साथ ही साथ आपके नॉलेज को भी काफ़ी इम्प्रूव कर दिया जाएगा यहाँ पे, और ऐसी सच में अलेक्जेंडर पॉप के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, नीचे कमेंट प्लीज़ करना ऐसी कहानियाँ आपको कितनी अच्छी लगती है, ताकि और भी काफ़ी वीडियोज़ मैं लेके आ सकूँ। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।